दोस्तों, अभी मैं हूँ एक लाइब्रेरी में जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और यहाँ पे लगभग सीटों की संख्या 100 के आसपास है, और मुझे यहाँ आते हुए लगभग 1.5 महीने होने वाले हैं। तो मैं देख रहा, जब से मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, और कभी कभी तो मतलब कोई आता ही नहीं है, और मेरा रेगुलर आने यहाँ पे है, तो मेरे सिवा मैं देखता हूँ कि कोई आता ही नहीं है। हाँ, इसका जो ओनर है वो आता है। तो मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी खाली क्यों है? तो मैंने पूछा उनसे कि क्या बच्चे नहीं आते क्या? तो उन्होंने बहुत ही शॉकिंग जवाब दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले यहाँ पे सीट नहीं मिलती थी, बच्चे खड़े हो जाते थे, अपने समय से पहले ही आके खड़े हो जाते थे। वो कह रहे थे कि कोई भी बच्चा अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों का आना जाना लगा रहता था, पूरी सीट फूल रहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पिछले में जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तब से आपको बता दूँ कि 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे मैंने लगभग 9 से 10 बच्चे देखे हैं, और आपको बता दूँ पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे खाली है, पूरी लाइब्रेरी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 11 बजने वाले हैं। इसके वहाँ पे रूम है, जो दरवाज़ा है उसके उधर भी 2-3 क्या बोलते हैं बैठने के लिए लगभग 25-30 सीट तो उधर बाहर में है, बट वहाँ पे और यहाँ पे मिला के बच्चों लगभग 3 से 4 ही आ रहे हैं, और जब से पेपर लीक हुआ था तब से बच्चों ने आना छोड़ दिया, और शायद अगर एग्ज़ाम का डेट आए तो शायद बच्चे हैं ऐसा करते हैं। अब इन बच्चों का दर्द कोई समझने वाला है नहीं, सीधी सी बात है, चाहे वो कोई भी हो। खैर, चलिए, आपसे बातें करके अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।